1.05। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 6.4 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में यहाँ पे किस तरीके से जो एयर का प्रभाव है या बाकी ऑर्गन्स का प्रभाव है किस तरीके से होता है, तो इसमें हमारा सब टॉपिक दिया हुआ है 6.4.1 ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस कैसे होती है, इसके लिए हमें एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 6.7, विजिट एन हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ह्यूमन बींग। यानी कि हमारी बॉडी जो जिसके मैंने आगे बताया था, यूँ हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इवन ब्रेन भी हमारा काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी के थ्रू बताया गया कि हमें एक हेल्थ सेंटर वगैरह में जाना है। ठीक है, हमारे लोकेलिटी में जो भी हो, और हमें उससे रेंज पूछनी है कि हीमोग्लोबिन की जो रेंज है हमारे बॉडी में अंदर कितनी होनी चाहिए। इट इज़ द सेम फॉर द चिल्ड्रन एंड अडल्ट। यानी कि हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ये जो रेंज है हीमोग्लोबिन का बच्चों में और एडल्ट्स में यहाँ पे सेम होता है या अलग होता है। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मैन एंड वुमेंट। एक और क्वेश्चन किया गया है कि जो लेवल है हीमोग्लोबिन का, यानी कि मैन और वुमेन में दोनों अलग होता है या सेम होता है। विजिट एन वेंट्रिकल क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेनिंग इन एन एनिमल लाइक द बफेलो और काउ। यानी कि ये जो अमाउंट है हीमोग्लोबिन का, एनिमल्स के अंदर भी इतना ही रहता है या काउ हो या बफेलो हो, ज़्यादा होता है या कम होता है। इन दिस कंटेन डिफरेंट इन कैविन मेन एंड फीमेल एनिमल। यानी कि तीनों में अंतर क्या है, यहाँ पे इंसान हो या एनिमल्स हो, उसमें किस तरीके का डिफरेंट। कंपेयर दिस डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग एंड एनिमल, हाउ डू द डिफर इफ कैन एनी कैन बी एक्सप्लेन। यानी कि डिफरेंट क्यों होता है और हमें इसे एक्सप्लेन करना है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडीज। जैसे कि हमें आगे के जो सेक्शन थे उनमें हमने देखा था कि यानी कि खून के थ्रू, ब्लड के थ्रू यहाँ पे खाने का प्रभाव, ऑक्सीजन का प्रभाव, वेस्ट मटेरियल का प्रभाव है हमारे बॉडी में रहता ही। हम क्लास 9 वी लर्न अबाउट ब्लड बींग फ्लूड कंटेनिंग टिश्यू। यानी कि ये सारी जो हेल्प होती है ब्लड में प्रभाव होना, किसकी हेल्प से होता है, एक टिश्यू की हेल्प से किया जाता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूड मीडियम कॉल प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। अब यहाँ पे जो ब्लड का प्रभाव है, ठीक है, जो मीडियम है ब्लड का, वो किसके थ्रू रहता है, प्लाज्मा के थ्रू यहाँ पे डिफाइन रहता है। ठीक है, जो सेल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे डेवलप हो सके। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिशियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। यानी कि यही प्लाज्मा क्या करता है, जो पानी का जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है, वेस्ट की मात्रा, वो सारे फॉर्म को डिजॉल्व करता है। ऑक्सीजन इज कैरियड बाय द रेड ब्लड कॉर्पलियस। ये हमने आगे जो सेक्शन था उसमें देखा था कि ऑक्सीजन का प्रभाव रेड ब्लड सेल के थ्रू होता है। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। उसके अलावा जो सॉल्ट जिससे सब्सटेंस होते हैं उसका प्रभाव भी इसमें किया जाता है। वी दस नीड एंड पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। यानी कि हमें एक ऑर्गन चाहिए होता है, पंपिंग ऑर्गन, ताकि ये जो खून का प्रभाव है हमारे बॉडी में रुके नहीं और चलता ही रहे। एंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द ट्यूशनल सिस्टम टू टे इंश्योर दैट दिस वर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया इस प्रोसेस को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हमें एक पुश चाहिए होता है, यानी कि एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है जो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से नेटवर्क है वो डेवलप कर सके। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी जो ऑक्सीजन वगैरह मात्रा है वो टिश्यूज तक भी पहुँचना चाहिए और हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करना चाहिए। इसीलिए हमें इंश्योर होना ज़रूरी है कि ये नेटवर्क है, अगर कभी कभी ख़राब हो जाता है तो हम रिपेयर वगैरह करने में भी इसे हम मदद कर सके। अब इसमें आगे हम देखें कि कौन सा ऑर्गन है जिसमें से ये सारे जो प्रोसेस है वो की जाती है।